वो कह रहा है कि रेडियो जो है वो दो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, 800 से लेके 1200 के बीच में, और RC सर्किट से जुड़ा हुआ है। एल के वैल्यू ये है तो सी के वैल्यू क्या हो सकती है, एल के वैल्यू ये रखनी है, सी के वैल्यू जाननी है। तो आपको पता है कि ये सारा काम रेजोनेंसी कंडीशन में होता है, रेजोनेंसी कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई रूट में LC। अब सी निकालना में काम कर लेता हूँ, स्क्वेयर कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 4π² LC, और सी का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4π² LF। अब आपको दो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, एक F1 मान लेता हूँ तो वैल्यू C1 की आ जाएगी, और एक F2 मान लेता हूँ तो वैल्यू C2 की आ जाएगी। L सेम रहेगा, एक बार फ्रिक्वेंसी आपको रखनी है 800 किलो हर्ट्ज, और एक बार आपको रखनी है 1200 किलो हर्ट्ज। अगर यहाँ वैल्यू की बात करें तो 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14, इसकी स्क्वेयर, और L आपको दे रखा है 2200 माइक्रोमोलर 10^-6, और फर्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 800 किलो मोलर 10^3, और सेकंड टाइम ये वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ पर आ जाएगा 1200 किलो का मोलर 10^3। दोनों वैल्यू रखने से अगर सोल्व करेंगे तो इस केस का जो सी आएगा, इस केस का जो सी आएगा वो आपका आएगा 198 पिको फैरड, और इस केस का जो सी आएगा वो आपका आएगा 88 पिको फैरड। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपने एक चैप्टर के अंदर एक डायग्राम देखा था, मैं डायग्राम में बना रखता हूँ सारे में, उसके अंदर एक एल था, एक सी था, एक आर था, ये आर है, ये एल है, और ये सी है, और यहाँ जो अगर कोई सोर्स हमारा, रिसोर्स हमारा एसी सोर्स है। फिर वो कह रहा है कि अगर उसकी वोल्टेज इतनी है, एल इतना है, सी इतना है, आर इतना है, तो बताओ कि रेजोनेंस की सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1/2π रूट में LC। अगर मैं यहाँ पे एल और सी वैल्यू पुट करके रूट करके 2π से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 7.96 हर्ट्ज। सेकंड कह रहा है कि आप रेजोनेंस की कंडीशन में क्या इंपीडेंस फाइंड कर सकते हैं, तो आपको पता है जेड किसके इक्वल होता है, आर के, और आर के लोग हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 40, तो इंपीडेंस इतना बन जाएगा। फिर वो कह रहा है करंट निकाल सकते हो, I इज इक्वल बी अपॉन जेड होता है, वो जेड किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, वोल्टेज कितनी है 230 और आर कितना है 40, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा करंट यहाँ से आएगा 3.5 एम्पियर। तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आप वोल्टेज निकाल सकते हो या तीनों एलिमेंट्स के ऊपर, तो पहले निकाल लेते हैं वोल्टेज रेजिस्टेंस से कितना होगा, V इज इक्वल आई आर। अब सर्किट में करंट जा रही है 5.75 की और रेजिस्टेंस है 40, तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो आपका आएगा 230 वोल्ट। अगर मैं निकाल लू वी एल एफ वी इज इक्वल आई आर, वी इज इक्वल आई आर, आई इज इक्वल वी अपॉन आर, तो वी इज इक्वल आई आर, यहाँ पर आएगा आई एक्स एल, आई की वैल्यू है 5.75 और एक्स एल होता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2π f और l। इस पूरे को अगर मैं पुट करूंगा 2π की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 7.96, और l मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, तो l के ऊपर जो वोल्टेज आएगी वो मेरी आएगी 1437.5। अब यही वोल्टेज आनी चाहिए c के ऊपर, क्योंकि रेजोनेंस के केस में VL और VC दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं VC निकालने की कोशिश करूं तो V इज इक्वल आई आर, वो आएगा आई एक्स सी, और एक्स सी होता है 1/ωc, ओमेगा होता है 2π fc, तो आई के 5.75, फ्रीक्वेंसी मेरे को पता है, कैपेसिटेंस मेरे को पता है, इसको सोल्व करने पर भी आपका आंसर 1437.5 आता है। और आप चेक कर सकते हो कि मैं VL माइनस VC कर रहा हूँ, जीरो हो रहा है, यानी ये सिचुएशन जो है वो रेजोनेंस की है।